विशेषकर बहने हमारी सुने, ये लास्ट नहीं है, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा यहाँ तक हमें पहुँचाने में, भाइयों का भी रहा और थोड़ा सा भी और भी बकाया है। भाई हम चाहते कि हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, लगातार जब तक पद वृद्धि नहीं होगी तब तक हम इसी प्रकार प्रयास करते रहे। सरकार भी ये बात समझ ले कि ये मानेंगे नहीं, ये लोग मानेंगे नहीं, और हमें मालूम है कि नज़दीकी चुनाव भी है, ऐसे हम लोग कार्य करते रहेंगे तो कन्फर्म है कि एक ना एक दिन तो सरकार को पद वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे तिवारी जी है ना, आपके बीच में कुछ शब्द कहेंगे उन बातों को। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पे अभी हमारे रोजगार शिक्षक संघ के सभी सदस्य लोग आए हुए हैं, और इसके पहले हमारे बहुत से सम्माननीय शिक्षकों ने अपना वक्तव्य दिया, बहुत ही शानदार वक्तव्य था और निस्वार्थ भाव से वक्तव्य था। यहाँ पे जो अपन शामिल हुए हैं, शिक्षकों की मध्य प्रदेश में जो दुर्गति है वो किसी से छिपी नहीं है, आप देख ही रहे होंगे। हमारी बहनें बहुत दूर दूर से आई हैं, आपको बता दूं डाटा के अनुसार 47,000 लोगों ने चयन परीक्षा पात्रता परीक्षा होगा, उसमें से 44,000 लोगों ने चयन परीक्षा दी है, लेकिन अभी भी 2-3 महीने से रोजगार शिक्षक संघ पालीवाल सर के नेतृत्व में मीटिंगें हुई है ना, और लगभग 500-600 की संख्या में वो ग्रुप बना जो मीटिंग में बात की, जिन्होंने कि सर आप आवाज दीजिए भोपाल आने के लिए, हम एक आवाज में आएंगे, और न जाने कितने ग्रुप बने, लेकिन अभी भी हम संख्या बल से संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें ये संख्या संघ का बहुत 44,000, और उसके 2-3 दिन बाद मध्य प्रदेश के हर जिले में आंदोलन हुआ तुरंत, और इंदौर में तो बहुत बड़े लेवल